हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड बजट और मैं हूं कंवल दोस्तों खूबसूरत हाथ किसको नहीं पसंद हर कोई चाहता है कि हमारे हाथ बहुत ज्यादा सफ़ेद हों खूबसूरत हों अच्छे लगे मॉइस्चराइज हों सॉफ्ट हों तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ थ्री स्टेप का मैनीक्योर अच्छा ये आप पेडीक्योर भी कर सकते हैं मैं हाथों पे करके दिखा रही हूँ आप पैरों पे भी सेम प्रोसीजर कर सकते हैं तो चलिए टाइम जाया बगैर हम शुरू करते हैं। तो स्टेप वन में आ जाता है हैंड क्लीनिंग। हाथों को साफ करना हाथों को साफ करने के लिए मैंने जो है एक जो है बाउल में पानी ले लिया है ये नीम गर्म पानी है पानी इतना गर्म हो कि आपके हाथ बर्दाश्त कर सके वन स्पून के करीब इसमें मैंने कोकोनट ऑयल एड किया है वन स्पून इसमें मैंने सॉल्ट नमक ऐड किया है वही जो घर पे नमक होता है वन स्पून के करीब मैंने इसमें शैम्पू यूज किया है जो भी शैम्पू आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं मैंने यहाँ पे लाइफ वायर यूज़ किया है उसके बाद मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा मीठा सोडा जो घर में पकौड़ों वगैरह में हम ऐड करते हैं वो मैंने इसमें वन स्पून या वन एंड हाफ स्पून के करीब जो है मैंने इसमें ऐड कर लिया है उसके बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अपने हाथों को जो है इसमें डिप कर लिया है और इनको जो है हाथों को कलाइयों को मैं अच्छे तरीके से आ, इसको लगा भी रही हूँ और इसमें डिप भी कर रही हूँ और इसका मसाज भी कर रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने हाथों को पंद्रह से बीस मिनट तक या तब तक जब तक आपका पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता तब तक आप अपने हाथों को बिल्कुल इसी पोजीशन में डिप किए रहेंगे ताकि आपके हाथों से जो भी मैल है फाइन लाइंस भी आ जाती हैं हमारे हाथों में तो इस प्रोसीजर से आपके हाथों की जो भी फाइन लाइंस होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी हमारे हाथ कोकोनट ऑयल की वजह से बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज हो जाएंगे और हमारे हाथों पे जो भी डर्ट वगैरह होगी वो भी सारी क्लीन हो जाएगी और उसके अलावा हमारे जो नकुल्स होते हैं वो भी ज़्यादा जो है वो काले पड़े हुए होते हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे यानी कि ऑल काइंड ऑफ डस्ट जो भी आ, तरीके की जो भी डस्ट होती है जितने भी स्कार्स वगैरह होंगे वो दूर हो जाएंगे और हमारे हाथ जो है बिल्कुल नीट क्लीन सॉफ्ट हो जाएंगे तो इस प्रोसीजर को हम लोग पंद्रह से बीस मिनट तक करेंगे या जब तक पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता स्टेप टू पे मैं कर लूंगी ब्लीचिंग ब्लीचिंग के लिए मैं यहाँ पे सॉफ्ट टच वालों की व्हाइटनिंग ब्लीच और उसके साथ सॉफ्ट टच वालों की ही पीच ब्लीच जो है वो मैं यूज कर रही हूँ आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर लीजिएगा मैं यहाँ पर जो है वो आ, आ, पिंक वाली यूज कर रही हूं ओके जी अब मैं एक बाउल में सॉफ्ट टच वालों की पिंक ब्लीच यानी कि व्हाइटनिंग ब्लीच लूंगी ये आपके चेहरे के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद होती है सॉफ्ट टच के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं अच्छा हाथों पे करने के लिए वैसे तो हम लोग अगर चेहरे के लिए ब्लीच बनाते हैं तो एक बटा दो के रेशो से बनाते हैं लेकिन जब हम हाथों और पैरों के लिए ब्लीच बनाते हैं तो मैं उसमें जो पाउडर होता है उसकी क्वांटिटी जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा रखती हूँ क्योंकि हमारे हाथों की और पैरों की स्किन जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है ये मैंने अपने हाथों पे कलाइयों पे अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है। 20 मिनट के बाद जब मेरा ब्लीच अच्छे खासे तरीके से सूख गया था तो उसी पानी में जिस पानी में मैंने अपने हाथों को मॉइस्चराइज किया था उसी पानी में स्पॉन्ज की हेल्प से वो जो भी ब्लीच वगैरह लगा हुआ था वो ब्लीच मैंने रिमूव कर लिया और हैंड ब्रश की मदद से अपने हाथों को साफ कर लिया अच्छा स्टेप थ्री आ जाता है स्टेप थ्री में मैं इसमें स्क्रब यूज कर रही हूं आपके पास जो भी स्क्रब मौजूद हो मैनी पेड़ी की किसी किट का मौजूद हो या जो भी स्क्रब आपके पास घर पे मौजूद हो आप उसके साथ जो है आ, अपने हाथों को मसाज कर लेंगे स्क्रब जो होता है हमारी हाथों की डेड स्किन को रिमूव कर देता है तो दोस्तों ये रहे मेरे हाथों की फाइनल रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में आप देखेंगे जो मेरे हाथों की नसें हैं वो तक जाहिर हो चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 मिनट के अंदर आपके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं दोस्तों मेरी वीडियो को आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा इससे जो है मुझे जो है एक बूस्टिंग पॉइंट होता है लाइक तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए थैंक यू वेरी मच अन